मुफ्ती सुल्तान के बयानात के लिए मुफ्ती सुल्तान ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। ने कहा कि अमेरिका में हमारे बयाना सुनते हैं, बस हमारे लिए बस इतने ही यही कामयाबी की चीज़ है। यहाँ पर हमारा मकसद पूरा हो गया कि अल्हम्दुलिल्लाह हम जीत गए, कि जिस मकसद के लिए हमने खोला था, कि जिस जगह पर जिस इलाके तक बात गई है, अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे नजात के लिए, हम तो कहते हैं कि अल्लाह के जात से हमारे नजात के लिए ये जरिया बनेगा इंशाल्लाह। हमारे लिए बड़ी मिसाल है, 11 साल का बच्चा अहमद जब 7 पारे हिफ्ज कर सकता है अमेरिका में रहते हुए, तो क्या हमारा बच्चा अपने करीब के मस्जिद में जाकर हिफ्ज नहीं कर सकता? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, सदकल्लाहुल अज़ीम। وقال تعالى في مقام آخر لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد، صدق الله العظيم। देखिए भाई, आज आपके सामने ये वीडियो पेश करने का मकसद हमारा ये है कि हमारा आज का सफ़र हुआ था भुवन का, सफ़र से वापसी पर जब हम असर की नमाज़ पढ़ के हम अपने रूम में ऑफिस में आए, तो एक साथी है यूसुफ पठान, यूसुफ भाई असल तो इधर ही के रहने वाले, पुणे के दापुड़ी के, लेकिन अमेरिका में जॉब करते हैं, अपनी फैमिली के साथ में रहते हैं। इनके दो बच्चे हैं, ये इनका नाम है अहमद और इनका नाम है खतीजा, और ये है यूसुफ भाई, उनके वालिद मुहतरम यूसुफ पठान। तो ये आए थे मिलने के लिए आज, तो बड़ी खुशी हो गई, मेरे लिए तो बड़ी खुशी की बात है। मैं इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि ये अमेरिका में रहते हुए बयानात वगैरह, कुरान के तफसीर वगैरह को सुनते हैं। लेकिन हमारा मकसद भी यही है कि यूट्यूब पर आने का, सोशल मीडिया के इस्तेमाल करने का, अल्लाह की कसम हमारा मकसद भी यही है कि ये दीन का काम यहाँ रहते हुए सारी दुनिया में किस तरह से फैले। सोशल मीडिया आज के ज़माने में एक प्लेटफॉर्म है, इसका मुस्बत अंदाज़ में, पॉजिटिव अंदाज़ में हमें इसका इस्तेमाल करना चाहिए। बातिल लोग, गुमराह लोग, गुमराह करने के लिए, लोगों को बहकाने के लिए, लोगों को नुकसान पहुँचाने के लिए और मार्केट के अंदर निगेटिव चीज़ें फैलाने के लिए इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, और इसके अंदर काफ़ी हद तक वो कामयाब भी हो रहे हैं। लेकिन हमें भी चाहिए कि हम लोग क्या करें, जितनी अपनी सलाहियतें, जितने अपने इस्तेदाद में हैं, उसके मुताबिक उम्मत के लिए नाफे बने। अल्लाह के रसूल ने फरमाया ना, मैं यनफ़ाउन्ना खैरुन्नास मैं यनफ़ाउन्नास, लोगों में सबसे बेहतरीन वो हैं जो लोगों को नफ़ा पहुँचाए, चाहे नफ़ा दुनियावी एतबार से हो, चाहे उखरवी एतबार से हो। आज उम्मत प्यासी है दीन के एतबार से, आज उम्मत प्यासी है आखिरत के एतबार से, उनको सही इल्म नहीं मिल रहा है, कोई गाइड करने वाला नहीं मिल रहा है। तो इन्होंने कहा कि अमेरिका में हमारे बयाना सुनते हैं, बस हमारे लिए बस इतने ही यही कामयाबी की चीज़ है। यहाँ पर हमारा मकसद पूरा हो गया कि अल्हम्दुलिल्लाह हम जीत गए, कि जिस मकसद के लिए हमने खोला था, कि जिस जगह पर जिस इलाके तक बात गई है, अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे नजात के लिए, हम तो कहते हैं कि अल्लाह के जात से हमारे नजात के लिए ये ज़रिया बनेगा इंशाल्लाह। तो मैं जो देखने वाले हमारे हैं, जिसको आम जबान में सब्सक्राइबर कहते हैं, तो मैं आपको उनसे भी मिलाता हूँ। माशाल्लाह, ये है यूसुफ भाई, सलाम कीजिए। अस्सलाम वालेकुम जी, और सुनाइए आप अपनी कारगुजारी सुनाइए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बच्चे काफ़ी माशाल्लाह यूट्यूब पे मुफ्ती साहब को सुनते, घर वाले भी हमारे सुनते, काफ़ी उनके बयानात से असरात लेते और मिलने की काफ़ी उन्होंने चाह रखी। अल्हम्दुलिल्लाह हमने भी प्लान किया, तो वहाँ से निकलने से पहले हमने प्लान किया था कि इंशाल्लाह हम ज़रूर मुलाकात करेंगे। अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि अल्लाह ताला ने आज हमको इस ये मौका दिया कि मुफ्ती साहब और हमारे बच्चे साथ में बैठे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये प्यारे बच्चे खतीजा है, अल्हम्दुलिल्लाह आप भी सुनते हो? अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, ये बच्चे माशाल्लाह अमेरिका में रहती है लेकिन फिर भी कुरान करीम की तालीम सीख रही है, और आखिर के 10 सूरतें उसने हिफ्ज किए हैं, नाजिरा पढ़ रही है। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह सारी दुनिया के अंदर इस्लाम एक जैसा है, सारी दुनिया के मुसलमानों पर, सारी दुनिया के इंसानों पर अल्लाह का हुक्म आयद होता है। हर इंसान को चाहिए अपने बच्चों की दीनी तरबियत करे, अपने बच्चों की कुरान करीम की तालीम की फिक्र करे। वहाँ रहते हुए जब यूसुफ भाई के लिए, तो मैं सबसे पहले तो मुबारकबादी देता हूँ, वो बड़े काबिल तारीफ है, तारीफ के काबिल है कि उन्होंने ऐसे माहौल में रहते हुए अपने बच्चों के लिए दीनी माहौल का इंतजाम किया, दीनी तालीम का इंतजाम किया। उनके अम्मी का काफी एफर्ट है उसके पीछे, माओ का तो बड़ा हाथ होता है माओ का। माओ इसीलिए तो कहते हैं कि माए बच्चों का पहला मदरसा है। माओ ने अगर तवज्जो दी बच्चों पर, आज बड़े बड़े अकाबिरीन का, बड़े शख्सियतों का
जब आप उनके हिस्ट्री उठाकर देखोगे, उनके तारीख उठाकर देखोगे, तो उनके पीछे औरतों का ही हाथ होता है। हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह, इसी तरह जो हजरत शाह अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का देखे जब पहली वही उतरी थी उस वक्त में डरे से सहमे से घबराए हुए घर पर आए तो कांप रहे थे। हजरत खतीजा से फरमाया कि खतीजा ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी, मुझे चादर ओढ़ाए चादर ओढ़ाए, कांप रहे थे। हजरत खतीजा ने फौरन चादर ओढ़ाई रज़ी अल्लाहु अन्हु, उनका नाम भी खतीजा था माशाल्लाह। तो उन्होंने चादर बढ़ाने के बाद अल्लाह के रसूल को तसल्ली दी, बहुत बेहतरीन अंदाज में तसल्ली दी, अल्लाह के रसूल को बहुत ज़्यादा हिम्मत मिली। तो औरतों का किरदार तो बड़ा होता ही है, और जब इसीलिए तो कहते हैं ना, मर्द बनता है तो फर्द बनता है, औरत बनती है तो पूरा खानदान बन जाता है। इनका नाम है मोहम्मद अहमद भाई, अहमद माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अहमद है, मैं मुफ्ती साहब के बयान बहुत सुनता हूँ, बहुत अच्छा लगता हूँ। मेरे मम्मा के साथ बहुत अच्छा लगता हूँ। इनफैक्ट मेरे मम्मा शुरू किए थे, जब मम्मा हमारा देख रहे थे, फिर वो हमको बोले थे क्या सुनो मुफ्ती साहब के बयान को, तो फिर जब हम सुनने लगे इतनी खुशी में थे, तो फिर हम वैसे शुरू करने लगे सुनना मुफ्ती साहब बयान को। अल्हम्दुलिल्लाह। ये अहमद भाई आपकी उम्र कितनी है? 11 साल के। 11 साल के हैं माशाल्लाह। देखे ये भी अमेरिका में रहते हैं, वहाँ पर स्कूल में भी जाते हैं, लेकिन साथ साथ स्कूल के साथ साथ मेरा असल वीडियो शूट करने का एक मकसद ये भी है कि स्कूल के साथ साथ दुनियावी तालीम के साथ साथ ये दीनी तालीम भी हासिल कर रहे हैं। हिफ्ज़ 7 पारे इनके हिफ्ज़ हो गए माशाल्लाह, कितनी बड़ी बात है, सुबहानअल्लाह। अमेरिका के अंदर रहने वाला एक बच्चा स्कूल के साथ साथ में दुनियावी माहौल में रहते हुए कुरान करीम हिफ्ज़ कर रहा है। आज हम मुल्क हिंदुस्तान में रहते हैं, हमारे लिए बहुत से हालात साजगार होते हैं, हम चाहे तो कर सकते हैं अपने औलाद के लिए ऐसे माहौल को पैदा, लेकिन इसके बावजूद हमारी लापरवाही बेतवज्जो ये हमारे बच्चों के बर्बादी का जरिया बन जाती है। तो देखिए ये हमारे लिए बड़ी मिसाल है, 11 साल का बच्चा अहमद जब 7 पारे हिफ्ज़ कर सकता है अमेरिका में रहते हुए, तो क्या हमारा बच्चा अपने करीब के मस्जिद में जाकर हिफ्ज़ नहीं कर सकता? अपने बच्चों के भी बारे में दीनी फिक्र कीजिए, उनके आखिरत बनाने की तरफ तवज्जो दीजिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मैं शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो है हमारी बात को इतने दूर तक पहुँचाया है, और आप भी दुआ कीजिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी बात को सारी दुनिया के अंदर आलम में पहुँचाए और मेरे भी और आपके भी नजात का और मगफिरत का ज़रिया बना दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।